हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बाजरे के वड़े। इन वड़ों को मैंने फ्राई करने के लिए सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल का यूज़ किया है। इसको आप सर्व करिए गर्मा गर्म। और ये देखिए, मैंने एक तोड़ के बताया है कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम लाइट और फ्लफी, और खाने में तो एकदम बढ़िया लगते हैं। इसको सर्व करेंगे हम हरे लहसुन की चटनी के साथ, जिसको ठेचा भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हरी लहसुन का ठेचा बनाने के लिए मैंने ये चॉपर लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे ये हरा लहसुन जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ये ऑलमोस्ट 1/4 कप जितना है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। और जितना लहसुन लिया है उसकी हाफ क्वांटिटी का हम हरी मिर्च लेंगे। ये मीडियम स्पाइसी हरी मिर्च है, इसको भी हम इसमें डालेंगे। और साथ में डालेंगे हम पीनट्स यानी मूंगफली रोस्ट की हुई, छिलका निकालने के बाद इसमें डालना है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जीरा 1/2 टीस्पून जितना, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसको हमने पीसना है लेकिन बिना पानी के, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये पीस के रेडी है, देखिए ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए, थोड़ा दरदरा सा। अभी इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको फाइन पीसना है तो आप फाइन भी पीस सकते हैं, लेकिन दरदरा अच्छा लगता है। अभी इसको हम फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें हम डालेंगे हमारा पीसा हुआ लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। इसको स्लो फ्लेम पे कुक करना है अराउंड 3 से 4 मिनट तक। इसको बीच बीच में चलाते रहना है और फ्लेम स्लो ही रखना है। ये देखिए कितना बढ़िया हरा कलर आया है। 3 से 4 मिनट के बाद ये अच्छे से कुक हो जाएगा, इसका कच्चापन भी निकल जाएगा। अभी इसको हमने एक बोल में निकाल लेना है। हमारे हरे लहसुन का ठेचा रेडी है। इसको और ज्यादा चटाकेदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे नींबू, 1/2 नींबू का रस। इससे ये बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। मिक्स कर लेंगे इसको और ये रेडी है हमारा हरे लहसुन का ठेचा। तो आइए अभी हम बाजरे के वड़े बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बाजरे का आटा, ये 1 कप है, और इसको मैंने छान के लिया है। इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप जितना बटर मिल्क। ये फ्रेश दही का बटर मिल्क है, आप चाहे तो यहाँ पे दही भी ले सकते हैं 1/2 कप जितना। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। इसमें हम थोड़ा पानी भी डालेंगे जरूरत के अनुसार। अभी हमको यहाँ पे एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है, ऐसा बैटर जो पोरिंग कंसिस्टेंसी का हो और गाढ़ा हो। अभी इसमें हम डालेंगे अदरक, इसको मैंने ग्रेट करके इसमें डाला है। साथ में डालेंगे मिर्ची, 1 कटी हुई मिर्ची है ये,
और अभी हल्दी सीजन में है तो इसमें मैं हल्दी भी डालूंगी। इसको मैंने ग्रेट करके डाला है। सर्दियों में हल्दी खानी चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए। और साथ में हम डालेंगे बहुत सारा धनिया चॉप किया हुआ। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारे वड़ों को और ज्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे एक बॉईल किया हुआ आलू। इसको मैंने ग्रेट करके डाला है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू डालने से हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। बेस में हम डालेंगे एक चम्मच भर के तिल। साथ में इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, थोड़े से अजवाइन भी डालेंगे। और स्वाद अनुसार नमक। तिल, जीरा और अजवाइन डालने से हमारे जो वड़े हैं उसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। कुछ ऐसा बैटर चाहिए हमको। अभी हमारे बैटर को डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा बैटर लेंगे जितना हमको कुक करना है। और उसमें हम डालेंगे इनो, ये 1 टीस्पून जितना इनो मैंने डाला है इसमें। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको अच्छे से वन डायरेक्शन में ही मिलाना है। अभी हमारे जो वड़े हैं उसको नॉन फ्राइड बनाने के लिए मैंने लिया है ये अपम पैन। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना ऑयल। सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में हम हमारे वड़ों को बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे हमारा जो तैयार किया हुआ बैटर है वो। फ्लेम को एकदम स्लो ही रखना है। अभी स्लो फ्लेम पे इसको हमको 3 से 4 मिनट तक नीचे कुक करना है। इसको कवर करके कुक करेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ऊपर से भी ये थोड़े बहुत कुक हो गए हैं। जब ये ऐसे थोड़े बहुत कुक हो जाए उसके बाद ही हम इसको फ्लिप करेंगे। अगर ऊपर से कुक नहीं हुए हैं और फ्लिप करेंगे तो वो टूट सकते हैं। ये देखिए अच्छे से फ्लिप हो रहे हैं। अभी हम इनको फ्लिप करेंगे और नीचे से भी 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे स्लो फ्लेम पर। फ्लेम को स्लो ही रखना है वरना ऊपर से अच्छा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से बड़े कच्चे रह जाएंगे, इसलिए फ्लेम को स्लो ही रखना है। अभी हमारे जो वड़े हैं वो नीचे से भी अच्छे से कुक हो गए हैं। इनको अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म बाजरी के वड़े तैयार है। इसको फ्राई करने के लिए हमने सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल का यूज किया है। इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए हरे लहसुन के ठेचे के साथ। खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे जरूर बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।